हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है अर्चना किचन कानपुर में। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 किलो लगभग आटा लिया है। तो दोस्तों, दाल जो बच जाती है तो आप लोग फेंकिएगा नहीं। हमारे पास ये अरहर की दाल है और मैंने फेंकी नहीं है। शाम की दाल बच जाती है तो दोस्तों फेंकिएगा नहीं, बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा। तो यहाँ पर मैं आटे में दाल डाल ली है और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी अजवाइन और डाल के मैं आटा को गूंथ लूंगी। तो दोस्तों, आटा मैं गूंथ लिया है, आप देख सकते हैं आटा मैंने गूंथ लिया है। और आटा को मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ और फिर मैं बनाऊंगी पूड़ी। तो यहाँ पर मैं गैस जला लेती हूँ और रख लेती हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डालूंगी, कढ़ाई गर्म होने देती हूँ, कढ़ाई में डालूंगी रिफाइंड। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने रिफाइन डाला हुआ है और ज़्यादा दोस्तों नहीं डाला, थोड़ा सा डाला है, क्योंकि बढ़िया सी पूड़ी थोड़ी सी उसमें तलेंगे तो बहुत अच्छे से तलती हैं। तो दोस्तों, और मैं डाल के तेल गर्म होने देती हूँ। यहाँ पर मैं पूड़ी को बेल लेती हूँ और बेल के मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी सी लोई काटी हुई है और यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी लोई सब काट लेती हूँ इसी तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लोई सब काट ली है और मैंने थोड़ा सा आटा ले लोई में सूखा आटा मैंने लगा लिया है और मैं हल्के हाथ से बिल्ला से बेल लेती हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, एक सी बेलना है। तो यहाँ पर मैं बेल लेती हूँ और इसी तरीके से बेल के और प्लेट में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब बेल ली हूँ 5-6 पूड़ी, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, एक एक करके मैं डालूँगी पूड़ी और बढ़िया से कंछू से दबाती जाऊँगी तो बहुत अच्छे से फूल जाएंगी और एकदम करारी करारी सी सिकेंगी। तो दोस्तों, एक साइड सिक चुकी है और मैं दूसरी साइड भी सेक लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया मेरी फूल गई हैं और मैं इसी तरीके से सब निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक निकाल ली है और यहाँ पर मैं दूसरी भी डाल देती हूँ, और डालने के बाद इसको भी कंछों से दबाती रहती हूँ। तो दोस्तों, कोई भी दाल हो, अरहर की, उड़द की, आप वेस्ट मत करिए। आप उसकी पूड़ी या पराठा बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दूसरी पूड़ी भी, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से फूल गई हैं और पूड़ी भी एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं। तो यहाँ पर मैं तीसरी पूड़ी भी देखिए डाल के बना रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूड़ी सब बना ली है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं तरोए की सब्जी भी बनाई है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी रेसिपी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं।